प्राचीन काल में बनी इन सभी जगहों को देखकर हमारे मन में एक सवाल आता है कि जिन लोगों ने ये अद्भुत आश्चर्य खड़े किए, क्या सच में उनके पास हमसे ज्यादा एडवांस टेक्निक मौजूद थी, या फिर उन्होंने सिर्फ कुछ प्रिमिटिव टूल्स यानी पत्थरों से बने औजारों से ही आश्चर्य निर्माण किए। ये एपिसोड देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि उस जमाने में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जरूर मौजूद थी जो इन सभ्यताओं के साथ ही विलुप्त हो गई और आज हमारे लिए एक रहस्य बन गई है। साउथ अमेरिका की बोलीविया में स्थित पुमा पुंकु और टिवुनाकु, ये दोनों जगह कुछ ऐसे ही सवाल खड़े करती है। आज हम इन जगहों के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको यकीन रखने पर मजबूर कर देगी कि ये जगह इंसानों ने नहीं बनाई थी। यहाँ पर बहुत सारे पत्थर पाए गए हैं जो आज तक पाए गए पत्थरों में सबसे बड़े और सबसे अलग है, जिनका वजन 100 टन से भी ज्यादा है। इन पत्थरों की खास बात है इन पर की गई जटिल कारीगरी। इन पत्थरों को ऐसे आकार दिए गए हैं कि मानो ये करने के लिए किसी मशीन का सहारा लिया गया हो। यहाँ पर पत्थरों की कुछ सीढ़ियां बनाई गई है जिनकी सतह की कारीगरी और समानता देखकर हैरानी होती है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये जगह 2000 साल पुरानी है, लेकिन 1945 में शोधकर्ता और इंजीनियर आर्थर पोजनांस्की, जो इस जगह की खोज करने वाले सबसे पहले शोधकर्ता थे और जिन्होंने कुछ दशकों तक यह समय बिताकर अभ्यास किया था, उन्होंने ये दावा किया है कि ये जगह करीब 17000 साल पुरानी है। इस जगह का पुमा पुंकु ये नाम यहाँ के आयमारा लोगों ने रखा था जो यहाँ पर पिछले 800 सालों से रह रहे हैं। और इनके पूर्वजों के अनुसार जब स्पेनिश लोग यहाँ पर पहली बार आए थे, तब उन्होंने यहाँ के लोगों से पूछा कि ये पत्थरों की इमारत आपने कैसे बनाई। तब यहाँ के लोगों ने उन्हें ये जवाब दिया था कि ये जगह हमने नहीं बनाई है, ये जगह भगवान ने बनाई है और वो भी सिर्फ एक रात में। लॉस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सबूत है यहाँ पर मिले ये पत्थर, जिनका आकार अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एच जैसा है और ये एंडेसाइट पत्थरों से बने हुए हैं, जो एक मजबूत पत्थर माना जाता है। ये पत्थर एक सीधे लाइन में रखे हुए हैं। अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये एक दीवार बनाते हैं, इतनी मजबूत कि आपको इन्हें चिपकाने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक ताजुब की बात यह है कि इन पत्थरों पर कुछ डिजाइंस ऐसी भी है जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ इन पत्थरों को आकर्षक बनाने के लिए वो बनाई गई थी। और ये इस बात को दिखाता है कि ये करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, ये काम उनके लिए बहुत ही आसान था। इस जगह पर दो पत्थर जोड़ने के लिए वो लोग जो तरीका अपनाते थे, उसे जानने के बाद उनके अविकसित होने पर सवाल खड़ा रहता है। जिन पत्थरों को जोड़ना होता था वो उन पर एक तरह का गड्ढा बनाते थे और फिर उसमें वो पिघला हुआ धातु डालते थे जो बाद में सख्त होकर पत्थरों को जोड़ देता था। और आश्चर्य की बात यह है कि आज 17000 साल बाद यहाँ पर धातुओं के निशान तो मिले हैं, लेकिन किसी भी जगह जंग का निशान नहीं मिला। यहाँ पर पत्थरों से बने कुछ खंभे पाए गए जिन पर बड़ी ही बारीकी से खांचे बनाए गए हैं। ये सभी खांचे शुरुआत से अंत तक एक ही चौड़ाई और गहराई के हैं। इन खांचों पर कुछ गोल खड्डे भी बने हैं जो एक दूसरे से समान अंतर पर बनाए गए हैं। और यही नहीं, इनकी भी गहराई और आकार समान है। इन्हें देखकर ये साबित होता है कि यह मशीन का इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि हजारों साल पहले सिर्फ कुछ पत्थरों के औजारों से इन्हें बनाना बहुत मुश्किल काम है। और यह उत्खनन के दौरान भी ऐसा कोई पत्थर का औजार आज तक नहीं मिला। पुमा पुंकु से आधी मील की दूरी पर टिवुनाकु में एक बहुत बड़े पत्थर का दरवाजा पाया गया जिसे द गेट ऑफ द सन कहा जाता है। ये दरवाजा एंडेसाइट पत्थर के एक विशाल टुकड़े से बना है जिसका वजन करीब 10 टन से भी ज्यादा है। पुमा पुंकु और ये जगह दोनों अलग अलग समय पर बनाई गई थी और पुमा पुंकु में जो पत्थर पाए गए वो यहाँ पाए जाने वाले पत्थरों से बिल्कुल अलग है।
यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार इस जगह का निर्माण उनके पूर्वजों ने यहाँ आसमान से भगवान आने की खुशी का उत्सव मनाने के लिए किया था, वही भगवान जिन्होंने पुमा पुंकू का निर्माण किया था। इस गेट पर हम उनके आसमान से आए भगवान और उनके 50 बच्चों का चित्रण देख सकते हैं। उनके भगवान को वो वीराकोचा कहते थे। इनकी एक और मूर्ति यहाँ इस जगह के बीचों बीच देखी जा सकती है, जो एक विशाल पत्थर में बनाई गई थी। 1960 में किए गए उत्खनन में यहाँ एक दीवार की खोज हुई, जिस पर बहुत सारे चेहरे तराशे हुए पाए गए। ये चेहरे इंसानों के चेहरों से थोड़े अलग लगते हैं और इनमें से कुछ चेहरे तो एलियंस को दर्शाते हैं। पुमा पुंकू और टिवुनाकू की आज तक की सबसे चौंकाने वाली खोज थी द फिवेंटे मैग्ना बॉल, जिसे 1950 में एक किसान ने खोजा था। इस पर त्रिकोणी आकृतियां निकाली गई है जो सुमेरियन लोगों की लिपि से मेल खाती है, जबकि पुमा पुंकू और सुमेरिया के बीच 8000 मील से भी ज्यादा अंतर है। ये बाउल पुमा पुंकू और सुमेरियन लोगों के संबंध को दर्शाता है। कुछ प्राचीन दस्तावेजों के अनुसार सुमेरियन लोग एक आसमान से आए उनके भगवान अनुनाकी की पूजा करते थे। इसका मतलब शायद सुमेरिया में आसमान से आने वाले अनुनाकी और पुमा पुंकू में पूजे जाने वाले वीराकोचा एक ही हो सकते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन पत्थर पर लेजर कटिंग और डायमंड व्हील कटिंग टेक्नोलॉजी के सहारे रिसर्च किया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। डायमंड व्हील कटिंग टेक्नोलॉजी से किया हुआ कट पुमा पुंकू पर मिले पत्थरों से मेल खा रहा था। और चौंकाने वाली बात यह है कि डायमंड कटिंग टेक्नोलॉजी आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो किसी मजबूत पत्थर को काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। टिवुनाकू जैसा कुछ बनाने के लिए प्लानिंग की जरूरत थी, और इसी के साथ मैथमेटिक्स, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और जियोलॉजी का थोड़ा बहुत ध्यान होना भी जरूरी था। लेकिन आयमारा पीपल लिखना तक नहीं जानते और वो यहाँ सिर्फ पिछले 800 सालों से है, जबकि टिवुनाकू 17,000 साल पहले बनाया गया था। अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि 17,000 साल पहले इंसानों ने ही अपनी ताकत से और सिर्फ कुछ रस्सियों और लकड़ियों के सहारे से ये पत्थर खड़े किए, फिर भी एक सवाल उठता है कि ये पत्थर उन्होंने यहाँ तक लाए कैसे। ये जगह समुद्र तल से 12,000 फुट की ऊंचाई पर है, इसका मतलब ये जगह नेचुरल ट्री लाइन से काफी ऊपर है। इतनी ऊंचाई पर पेड़ नहीं उग सकते, इसका मतलब पत्थरों को ले जाने के लिए उन्होंने लकड़ियों का इस्तेमाल भी नहीं किया। तो आखिर उन्होंने ये 100 टन से भी ज्यादा वजन वाले पत्थर इतनी ऊंचाई तक लाए कैसे। 1966 में बोलिवियन आर्मी ने एक प्रयोग किया जिसमें सिर्फ 2 टन वजन वाले पत्थर को रस्सी की सहायता से खींचने की कोशिश की गई, और वो उस पत्थर को मुश्किल से सिर्फ कुछ इंच खींचने में ही कामयाब हुए थे। अब आखिरी सवाल ये है कि पत्थरों की इतनी मजबूत रचना आखिर तबाह कैसे हुई। इसके 2 कारण बताए गए। शायद यहाँ कोई विस्फोट हुआ होगा या फिर आकाश से आई कोई उल्का टक रही होगी, क्योंकि यह उत्खनन के दौरान एंडेसाइट पत्थरों के कुछ टुकड़े पाए गए। जबकि अगर हम पत्थरों की मजबूती को देखें तो नैसर्गिक रूप से इन पत्थरों के टुकड़े होना मुमकिन नहीं लगता। पुमा पुंकू की तबाही का दूसरा कारण हो सकता है बाढ़, क्योंकि यह सी शेल्स और मछलियों के अवशेष मिले हैं, जबकि पानी का सबसे नजदीकी स्रोत 10 मील दूर है। आपको क्या लगता है, क्या पुमा पुंकू और टिवुनाकू के लोग क्या किसी एडवांस टेक्नोलॉजी को जानते थे जो कि इतिहास में उनके साथ ही विलुप्त हो गई, या फिर ये सारे सबूत इस बात की गवाही है कि एलियंस हमारी धरती पर आते थे।